जीवन में मैंने एक बात सीखी कि जो जो आपकी दुविधाएं हैं वो आपको उतना ही बनाती हैं जितनी आपकी सुविधाएं बनाती हैं, अगर आपको उनसे फायदा लेना आए तो। बदलाव के लिए एक छोटी सी कोशिश ही काफी है जो कामयाब होकर एक मुहिम का रूप ले लेती है। बस शर्त इतनी है कि बदलाव की वो कोशिश ईमानदारी से होनी चाहिए। अभी हमने एक आवाज को सुना, यह आकर्षक आवाज थी सोनम वांगचुक की। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सोनम वांगचुक के शुरुआती जीवन से लेकर अब तक के उनके योगदानों को, जिन्होंने न केवल हमें एक बेहतर जीवन के लिए प्रेरित किया है बल्कि हमें अपने समाज और देश को बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित भी किया है। सोनम वांगचुक एक सफल इंजीनियर हैं। उन्होंने NIT श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। उन्होंने बेसिक साइंस का प्रयोग करते हुए कई ऐसे सफल एक्सपेरिमेंट किए हैं जिससे लद्दाख के स्थानीय निवासियों को काफी लाभ हुआ है, इसलिए यह एक आविष्कारक भी हैं। उन्होंने स्थानीय विद्यार्थियों के अध्ययन को सरल बनाने के क्षेत्र में भी काफी योगदान दिया है, इसलिए यह एक शिक्षा सुधारक भी हैं। सोनम वांगचुक का जन्म 1 सितंबर 1966 में लद्दाख के लेह जिले में अलची के पास उले तोकपो में हुआ था। 9 वर्ष की आयु तक सोनम स्कूली शिक्षा से वंचित थे क्योंकि उनके गांव में स्कूल ही नहीं था। उनकी मां ने ही उन्हें अपनी मातृभाषा में उस उम्र तक सभी बुनियादी बातें सिखाई। उनके पिता सोनम वांग्याल एक सफल राजनेता थे और श्रीनगर में कार्यरत थे। इसी दौरान सोनम को श्रीनगर आने का अवसर मिला जहां उनकी स्कूली शिक्षा आरंभ होती है। नई जगह और नई भाषा में मिल रही शिक्षा सोनम को कुछ खास रास नहीं आ रहा था, पर समय के साथ उन्होंने एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में खुद को निखारा। पिता एक प्रभावशाली नेता थे, ऐसे में सोनम के लिए राजनीति में आना काफी सरल होता, लेकिन उन्होंने एक अलग ही राह को चुना, इंजीनियरिंग। सोनम के इस फैसले से पिता पुत्र में विवाद हो गया और ऐसे में पिता ने आगे की पढ़ाई के लिए पैसे देने से इनकार कर दिया है, जिस कारण सोनम ने कुछ महीनों तक बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया और अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई को जारी रखा। इन्हीं दिनों सोनम ने शिक्षा प्रणाली में मौजूद कमियों को महसूस किया, जिसमें सुधार के लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। उन्होंने शिक्षा में स्थानीय भाषा के महत्व पर बल दिया। उनके अनुसार किसी को उस भाषा में समझाना ज्यादा आसान है जिस भाषा में वो खुद बातचीत करता हो। वर्ष 1988 में सोनम वांगचुक ने अपने भाई और 5 साथियों के साथ मिलकर सेकमोल की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा को सरल बनाना था। इस NGO के माध्यम से उन्होंने लद्दाख के सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रम को लद्दाखी भाषा में तैयार किया ताकि छात्रों को अपने विषयों को समझने में आसानी हो। पाठ्यक्रम में भाषा के बदलाव के कारण न केवल छात्रों को पढ़ने में सुविधा मिली, वहीं दूसरी तरफ 10वीं की परीक्षाओं में पास होने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई। पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत 5 से बढ़कर 75% हो गया, जो यह दर्शाता है कि छात्रों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो हमारे स्कूलिंग सिस्टम में। इसके अलावा उन्होंने 10वीं कक्षा में असफल हो गए छात्रों के लिए एक वैकल्पिक विद्यालय की स्थापना की। यह स्कूल अपने अनूठे निर्माण के लिए काफी ख्याति प्राप्त कर चुका है। इस स्कूल का डिजाइन कुछ इस तरह किया गया है कि यहाँ की ऊर्जा की जरूरतों का लगभग 100% ऊर्जा सौर ऊर्जा से पूरा होता है। इस स्कूल के डिजाइन को जुलाई 2016 में फ्रांस में इंटरनेशनल टेरा अवार्ड फॉर द बेस्ट बिल्डिंग से नवाजा गया है। इस स्कूल की एक अनोखी बात यह भी है कि इस स्कूल को यहाँ के छात्रों ने ही बनाया है, जिसके मैनेजमेंट का अधिकांश काम छात्रों के द्वारा ही किया जाता है। इस स्कूल में किताबी ज्ञान के अलावा प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज्यादा बल दिया जाता है। गौर करने वाली बात यह है कि इस स्कूल में नामांकन उन्हीं छात्रों का होता है जो 10वीं के परीक्षाओं में फेल होते आए हैं। हिमालय की गोद में बसा लद्दाख एक बर्फीला रेगिस्तान है। यहाँ पानी की कमी नहीं है, लेकिन खेती करने के मौसम में सिंचाई के लिए पानी की कमी हो जाती है। जनवरी 2014 में सोनम ने डॉक्टर चेवांग नॉर्फेल के कृत्रिम ग्लेशियर से प्रेरणा लेकर आइस स्तूपा नामक एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य अप्रैल और मई में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल संचय करना था। फरवरी 2014 तक आइस स्तूपा की मदद से लगभग 1,50,000 लीटर पानी को संचय किया गया।
इस आइस स्तूपा की कामयाबी ने वहां के स्थानीय लोगों में एक नई उम्मीद को जगाया। इस बीच सोनम वांगचुक ने इस आइस स्तूपा को और भी बेहतर बनाने पर जोर दिया है, साथ ही स्थानीय निवासियों ने अच्छा सहयोग दिया है। औरों के जीवन को सरल बनाने हेतु सोनम वांगचुक के प्रयोगों को सम्मान स्वरूप कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं।